ओके सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय अनदर गेमप्ले वीडियो। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बंदा इतना रेगुलर कैसे हो गया, मतलब कि पहले 2 महीने में 3 महीने में एक वीडियो नहीं डालता था, आजकल जो है रेगुलर हो गया बंदा। आखिर राज क्या है इसके पीछे? तो देखो गाइस, राज कुछ नहीं है। चैनल भी तो ग्रो करना है। तो आज हम लोग फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो बाहर इतना ज़्यादा धूप पर आया ना, मतलब बाहर जाने का एकदम मन करता ही नहीं है, तो इसीलिए पूरा दिन जो है माइकल घर के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे फैमिली फोटोज़, यहाँ पर माइकल, अमांडा, यहाँ पर देखो ट्रेसी, एंड यहाँ पर माइकल को जो है घर में पढ़ना वढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए घर में पूरा बुक्स ही बुक्स इधर सजा के रखा है मैंने एकदम पूरा। इसको देखो पूरा, मतलब इधर ड्रिंक्स वगैरह कर रहे हैं इधर। भाई साहब इसका आँख देखो, आँख क्या हो गया इसको? आँख से तो ये काला काला क्या निकल रहा है इसका? इसको इसके हाल में छोड़ देते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो ये स्विमिंग पूल किस लिए मैंने बनवाया मेरे को पता नहीं, नहाता वहाता बिल्कुल भी नहीं। तो आज सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा नहा ही लेता हूँ, तो बस गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वैसे भी बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल मैंने यहाँ पे बनाया, बड़ा मतलब एक कोने से दूसरा कोना कितना छोटा है देखो, यहाँ पे अच्छे से डुबकी भी नहीं लगा सकते आप। तो नहाना हो गया तो एक डुबकी भी नहीं मार सकते यहाँ पे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि बीच की तरफ ही जाऊँ, वैसे भी इधर बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, ट्रेवर या फ्रैंकलिन को कॉल कर लेता हूँ, एंड उसके बाद सभी लोग एक साथ चलते हैं बीच की तरफ। तो गाइस मैं यहाँ से रेडी होकर निकल रहा था कि जिमी ने मेरे को यहाँ पर रोक लिया एंड बोल रहा है कि डैडी मेरे को आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, तो पहले सुन ले दे इसके बात। डैड मेरे दोस्त लोगों ने सारे RN5 V3 लिया, मेरे को भी आप दिला दो डैड। जिमी बेटा, अभी तुमको बाइक मैं नहीं दे सकता, बिकॉज तुमको पता है ना आजकल कितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। हाँ, तो तुमको क्यों चाहिए अभी बाइक? ओ डैड मैं स्पीड में नहीं चलाऊंगा डैड, मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, मेरे को दिला दो डैड, मेरे को दिला दो। और कर भी क्या सकते हैं भाई, अभी तो भाई एक ही बेटा है, इसी ने मांगा, तो चल भाई तेरे को RN5 V3 दिलाता हूँ, लेकिन सबसे पहले गराज में चलते हैं, गराज में से गाड़ी निकालते हैं, उसके बाद सीधा मैं यहाँ से चलता हूँ, कहाँ चलता हूँ, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं PDM, एंड PDM जाके इसको दिला देते हैं RN5 V3। तो चल बेटा बैठ जा गाड़ी के अंदर, तुझे सीधा लेके चलता हूँ आज RN5 V3 दिलाने के लिए। अबे भाई रेडियो बंद करो इधर। तो इधर गाड़ी घुमा लेता हूँ मैं, एंड गाड़ी देख रहे हो गाइस मेरा एकदम डार्क पर्पल कलर में मैंने इसको रैप करके रखा है, कैसा लग रहा है ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना। तो यहाँ से मैं PDM चलता हूँ, अभी इसको बंदे को RN5 V3 दिला देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं PDM में कॉल लगा लेता हूँ एंड बोल देता हूँ कि ये RN5 V3 बाइक एक रेडी करके रखे, उसके बाद मैं सीधा डिलीवरी ले लूँगा। ये बंदा बहुत ही तेज़ बाइक चलाता है, गाड़ी वगैरह हाथ में आने से भी ये बहुत तेज़ चलाता है, तो इसके हाथ में अगर बाइक चला जाए तो ये कैसे चलाएगा यही मेरे को मालूम नहीं। ये देखो मतलब कि कितना इनोसेंट बन रहा है, देखो इधर। ए डैड मैं धीरे धीरे चलाऊंगा, बस मुझे लेके दो डैड। अबे भाई बैठ जा, चुपचाप बैठ जा लेके देने के लिए। ओ, ओ, ओ भाई, भाई, भाई 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 भाई। चलो जी हम लोग आके पहुंच चुके हैं PDM। सर मैंने एक यहाँ पे V3 मंगवाया था, तो गाड़ी यहाँ पर मेरे को दिख नहीं रहा सर, वो गाड़ी अभी तक फैक्ट्री में है, अभी तक हमने उसको लाया नहीं है। तेरे को मैंने बोला था ना कि गाड़ी एकदम रेडी होना चाहिए, तो क्यों मेरा बात नहीं सुना? सीधा जल्दी से गाड़ी लेके आ, नहीं तो यहाँ पर गन देख रहा है ना, सीधा गन एकदम मत्थे पे पड़ेगा। सर आप इतना गुस्सा मत होइए सर, अभी मैं मंगवा देता हूँ आपका बाइक जल्दी से जल्दी। डैड मेरा बाइक कहाँ है? ये आदमी तो बाइक नहीं दे रहा है डैड। किस पागलों से मेरा पाला पड़ गया भाई, इधर एक और इधर एक, दोनों मिलके सर खा रहा है मेरा इधर से, तो थोड़ा गाड़ी में जाके इसी का हवा खाता हूँ जब तक मेरा गाड़ी ना आ जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये भी आके बैठ गए एसी का हवा खाने के लिए। तो जिमी बेचारा देखो, जिमी बेचारा बाहर ही खड़ा है। चल कोई नहीं, इसको पहले मैं यहाँ से साइड करता हूँ। क्यों बैठा तू? तो क्यों बैठा जिमी बेटा, जल्दी जल्दी बैठ जा गाड़ी के अंदर। चल भाई अभी ये बैठ गया गाड़ी के अंदर। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। तो गाइस काफ़ी देर वेट करने के बाद जो है यहाँ पर फाइनली बाइक हम लोग का आ चुका है, मतलब अभी ट्रक से अनलोड होगा बाइक। तो जल्दी जल्दी वेट करते हैं, देखते हैं भैया कि मतलब कौन सा बाइक यहाँ पे ये लोग लेके आए हैं। तो फाइनली जो है बाइक्स यहाँ पे अनलोड कर दिया गया है, एंड यहाँ पर देखो कितने सारे कलर्स में यहाँ पे RN5 V3 इन लोगों ने लाया,
मतलब यहाँ पर रेड है, ब्लू है और ये भी ब्लू है, दो येल्लो है। तो यहाँ पर येल्लो, ब्लू और रेड का हमें ऑप्शन मिल रहा है। तो जिमी को पूछते हैं कि जिमी को कौन सा वाला कलर इसको चाहिए। तो जिमी बेटा बोलो कौन सा वाला कलर तुमको पसंद है यहाँ से। डैड मेरे को तो ब्लू वाला पसंद आ रहा है, मैं ब्लू वाला ले लूँ डैड। अच्छा ठीक है, तुम ब्लू वाला ही ले लो, ब्लू वाला ये वाला कोई एक ले लेते हैं। एंड इनसे जो है मैं पैसा वगैरह के बात कर लेता हूँ कि कितना क्या प्राइसेस है। तो वैसे इसका प्राइस तो है 3 लाख के आसपास। इंडिया में तो ये 1,70,000 का मिलता है। सर आप 1,70,000 में लेके जाइए इसको। ओके तो फाइनली जो है मैंने बाइक का पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया ये ब्लू वाले के लिए। तो यहाँ पर जो है ना जिमी को अभी चलाने नहीं देंगे फिलहाल के लिए, तो पहले मैं टेस्ट राइड लूंगा। चल भाई जिमी बैठ जा दो पीछे, पहले मैं चलाऊंगा एंड उसके बाद ही तू चला सकता है। ओ हो, क्या हाँ मजा आ रहा है गाइस ये V3 चलाने में। ओ भाई साहब, एंड R15 V3 में तो आपको पता ही है कि पीछे का सीट कितना ज्यादा ऊंचा है। तो जिमी को देखो कैसे पीछे डर डर के बैठा हुआ है। ये देखो कितना डरा हुआ है। भाई जिमी डर मत, तेरा बाप जो है ना बहुत ही एक प्रोफेशनल राइडर है बोल सकता है, तो बस पकड़ के बैठ जा एंड मजा ले। बेटे वाह बेटे, मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। वाला एकदम अचानक से आ गया एंड सीधा मैंने उस पर ठोक दिया। टैक्सी वाला किधर गया, इसको मैं अभी गोली भरने वाला था, किधर गया भाई, इधर से गया था क्या। तो जैसे कि प्लान करके आए थे हम लोग कि हम लोग जाएंगे बीच की तरफ, तो जी हाँ बीच के साइड ही जाएंगे थोड़ा घूमने के लिए। जिमी को मैं थोड़ा ये बाइक चलाने दे दूंगा एंड मैं थोड़ा नहा भी लूंगा, तो बीच का साइड जो है मैं मार्क कर देता हूँ मैप पर। तो गाइस हम लोग जो है आके पहुंच चुके बीच के साइड, तो किधर से हम लोग जाए ये सोच रहे हैं। चलो बाइक है कोई बात नहीं, यहाँ से मैं उतार देता हूँ बाइक को एंड कहीं पर जाके, यहाँ पर नहीं, ये जगह थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है। चलो यहाँ पर जाके हम लोग थोड़ा नहाते हैं, यहाँ पर थोड़ा लोग भी है। तो जिमी को मैं यहाँ पर ही बाइक दे देता हूँ। तो जिमी बेटा ले, अभी तू इसको चला, ये हेलमेट पकड़। डैड आपने मेरा नया बाइक ठोक दिया डैड, ये आपने अच्छा नहीं किया। आप तो बोल रहे थे कि आप प्रो राइडर हो। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, इतना कुछ वो नहीं है, तुम बस बाइक चलाओ एंड एंजॉय करो, मैं थोड़ा नहा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से जिमी बाइक लेके निकल गया, मतलब बोल रहा था कि डैड मेरे को एक राउंड लेना है बाइक का। ये देखो ये रेट के ऊपर ही कैसे चला रहे थे। अंकल जी आप लोग यहाँ पे क्या बातें कर रहे हो, जरा हमें भी सुनाओ, क्या हुआ हमें भी तो बताओ। नहीं मुझे तुमको, ये भैया पुलिस को बता रहे। पुलिस को क्यों बता रहे बेटा। तो गाइस मैंने जो है ड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे खोल लिया, सीधा मैं अभी उतरता हूँ पानी के अंदर। एंड भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी है भाई, यहाँ पर लोग देख रहे हो कितना ज्यादा लोग है, मतलब सब लोग नहाने के लिए आ गए, तो हम लोग भी थोड़ा नहा लेते भैया इधर। ओ हो, सब लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, ये देखो कितने मजे से ये लोग तैर रहे हैं। चलो हम लोग भी थोड़ा उस तरफ चलते हैं। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा बताना जरूर से नीचे कमेंट करके, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर जाना, एंड चैनल पर कोई नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और वीडियोस आगे लाते रहूंगा मैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हो अपने अगले वीडियो में, तब तक लिए।